एवं हमारे विधायक जी और बुजुर्ग लोगों, मैं आपको तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे अहिरिया बहेलिया समाज में सबसे पहले आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, यानी कि हमारे अहिरिया बहेलिया जात के लोग इतने सक्षम नहीं है कि वो अदर जातों की अपेक्षा, अदर जो जातियां हैं उनकी बराबरी कर सकें। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि कुछ लोग कहते हैं कि अपना बनवा लो, हमसे एक बार यहाँ के जो तहसील पे जो लेखपाल हैं उनका फोन आया था कि भाई तुम इतना आतंक क्यों कर रहे हो, अपना बनवा लो, बाद बाकी छोड़ दो। हमने कही ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि नंद किशोर नाम भी लेता हूं, नंद किशोर का हम पर रिकॉर्डिंग भी है, नंद किशोर का फोन आया था हमारे पास कि भाई तुम अपना बनवा लो, दुनिया की मत सोचो। हमने कही दुनिया की नहीं, हम सबका बनवाएंगे। तो हमने उन पर बार बार प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, और हम एक दिन कम से कम 50-60 लोगों को लेके हम तहसील का घेराव किया हमने। तो हमने एक बार तहसील का घेराव किया तो एसडीएम कहती है कि तहसीलदार को पटा लो, तहसीलदार कहता है कि लेखपाल को पटा लो, लेकिन हमने कहा हमें प्रूफ में दो, लिख के दो कि किस बात से तुम कहते हो कि हम अहेरिया हैं, तुम पे कोई जीव है कि हम अहेरिया हैं? नहीं, उनके पास कोई जीव नहीं है कि तुम अहेरिया हो, उनके पास कोई जीव नहीं है कि अहेरिया हो। तो एक बार डीएम आए थे सिकंदर राव, वहां पे तहसीलदार डीएम हम भी लोग पहुंचे थे 40-50 लोग, तो वहां पे हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा, मैं बोले कि तुम पहले बीसी में थे कि उसमें, मैंने कि प्रमाणित करके दो कि बीसी में है कि किसमें, हम बनाओगे हमारे सर्टिफिकेट कि नहीं, तो मैंने कि फिर क्यों नहीं बना रहे हो, तो चुप हो गए वो। तो उन्होंने एक आंकड़ा निकाला तो उन्होंने कहा कि 1982 में यहां की चकबंदी हुई थी और चकबंदी में तुम्हारे अहेरिया दर्ज है, चकबंदी में अहेरिया दर्ज है। हमने कहा चलो चकबंदी में तुम्हारी अहेरिया दर्ज है तो हम भी तो बहुत प्रूफ दे रहे हैं आपको, यानी विमुक्ति जाति का जो सर्टिफिकेट है उसमें साफ साफ मेरे पास भी है, उसमें लिख रहा है हरिओम सन ऑफ गेंदालाल, जो कि गांव हैदलपुर पोस्ट हसायन यानी तहसील के रहने वाले हैं, जिनकी जाति अहेरिया ऑब्लिक बहेलिया है, यानी अहेरिया ऑब्लिक बहेलिया है, यानी सिकंदराव तहसील में ही कह रहे हैं कि अहेरिया ऑब्लिक बहेलिया। अहेरिया ऑब्लिक बहेलिया का मतलब क्या हुआ कि तुम ही अहेरिया हो, तुम ही बहेलिया हो, है कि नहीं? तो इस पे मेरी उससे हम लोगों की बहुत बहस हुई, हमने एसडीएम को इतना परेशान किया एसडीएम को, एसडीएम ने कह दिया कि भाई तुम तहसीलदार से ही बात करो, तहसीलदार कहता है कि तुम लेखपाल से ही बात करो, उनको हमने परेशान कर दिया। तो उसके बाद हमने सोचा कि अब ये काम चलने वाला नहीं है, इसके बाद हमने लोगों का गांव से मशवरा किया, मशवरा करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हमें कलेक्ट्रेट का घेराव करना चाहिए, तो हमने रणनीति बनाई। रणनीति बनाने के बाद हमने एडीएम को भी परेशान किया, एडीएम से बार बार कॉल की हमने, तो वो भी परेशान हुई हमसे, डीएम को भी परेशान किया। हम दूसरे दिन डीएम के पास पहुंच जाते थे, एक गांव कोडरा है यहाँ पे हमारे पास में, मतलब सिकंदराव के पास, उसमें एक लड़के का बहेलिया से बना भी दिया है, सर्टिफिकेट बना दिया है, वो हमारे पास है। और उस दिन उन्होंने जांच के लिए बुलाया वहां पे डीएम के पास, तो हमें जाने से उन्होंने मीटिंग को ही पोस्टपोन कर दिया, हमें पहुंचते ही मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया, जबकि मीटिंग थी, वहां का लेखपाल भी पहुंचा, लेकिन हमें पहुंचने पे ही मीटिंग पोस्टपोन कर दी, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य हैं, बहेलिया जाति के साक्ष्य हैं, टोटल साक्ष्य हैं, लेकिन ये लोग नहीं बनाते। तो मैं आदरणीय विधायक जी से और भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें यही पता चलता है कि बिना जनता के कुछ नहीं है, हमें जनता का साथ चाहिए। हम तन मन धन से तैयार हैं, हम सब कुछ तैयार हैं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जनता का साथ चाहिए। 2 जनवरी को हमने बहुत, हमारे गांव के लोगों ने इतना हमें समर्थन दिया कि हजारों की जनसंख्या में गांव के भी क्षेत्रवासियों ने भी इतना समर्थन दिया कि हजारों की जनसंख्या में
और हम कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, कलेक्ट्रेट का घेराव किया, लेकिन वहां पे हमने बोल दिया कि 25-26 में हम भूख हड़ताल करेंगे। इसमें आप सभी लोगों का हमें साथ चाहिए, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, आगे भी बहुत प्रयास करेंगे। लेकिन मैं विधायक जी आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें, आप बहुत अनुभवी हो और हम इस बात को दुनिया जानती है, और हम आपके पास मिलने भी गए तो आपने मंत्री से भी बात की, डीएम से भी बात की, सचिव से भी बात की थी, लेकिन इस काम को हम नहीं कर सकते। ना तो हमारी कोई डीएम सुनेगा, ना सचिव सुनेगा, ना कोई मंत्री सुनेगा। उसका आधार आप ही हो कि हमारी डीएम, एसडीएम, मंत्री जो भी है, आप बात करा सकते हो हमारी। और हमें, आप चाहे मंत्री से बात करो, चाहे मुख्यमंत्री से बात करो, किसी से भी बात करो, हमें डीएम से 10 मिनट बात करा दो तो आपका बहुत बहुत आभार होगा। विधायक जी, मैं यही आपसे विनती करता हूं कि डीएम से हमें 10 मिनट का टाइम दे दो, हम उनको प्रमाणित कर देंगे कि हम ही बहेलिया हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को प्रण लेता हूं। तो ना सूची में।